हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज कराने वाला है कीपिंग क्वाइट का पार्ट 3 स्टैंजा 3 और इसका क्वेश्चन आंसर। इस ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये थर्ड 3 होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट 4 इसके बाद आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट्स। ये पढ़ूंगा, इसको समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पर इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। तो पहला है फिशरमैन, मतलब मछुआरे, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करते हुए, और हर्ट का मतलब होता है घायल। तो यहाँ पर बताता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ पर बताते हैं कि जो फिशरमैन मछुआरे हैं वो वेल्स को, जो मछलियाँ हैं उसको हार्म, घायल नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान जो नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वो अपने अपने हाथों को देखेगा, जो हाथ घायल हो चुके हैं वो हाथों को देखेगा, मतलब सारा का सारा काम ख़त्म कर देगा, साइलेंट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, बंद कर देगा और कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाएगा, ताकि चारों तरफ साइलेंट ही साइलेंट हो, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने मन में झांकेगा, देखेगा, ठीक है, थोड़े समय के लिए मेडिटेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी। जो मछुआरे हैं वो कोल्ड सी में क्या करते हैं, द फिशरमैन कैच फिश इन द कोल्ड सी, क्या पकड़ते हैं, और कोल्ड सी में मछलियाँ पकड़ते हैं, पार्टिकुलरली द वेल्स, जो वेल्स है पार्टिकुलरली वो पकड़ते हैं मछलियाँ। व्हाट शुड द फिशरमैन नॉट डू, फिशरमैन क्या नहीं करते हैं, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट द वेल्स इन द सी। फिशरमैन मछुआरे जो सागर में जो वेल्स है मछलियाँ है उनको हार्म, घायल नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, ये बता रहा है। सी नंबर पे है, व्हाट हैज हैपेंड टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो इंसान जो नमक इकट्ठा करते हैं उनको क्या हो गया है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वाज हैज हर्ट हिज हैंड, अपने हाथों को क्या कर लिया है, घायल कर लिया है, ठीक है। व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, जो इंसान नमक इकट्ठा करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, द मैन गैदरिंग सॉल्ट मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स, जो इंसान नमक इकट्ठा करते हैं वो लोग अपने हाथों का ध्यान रखना चाहिए, वो लोग अपने हाथों को हर्ट यानी घायल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है ये, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ मैन। देखिए मीनिंग दिया हुआ है, आपको बस पोएम में से वर्ड निकालना है, जैसे कि दो सू कैच फिश, जो मछली पकड़ते हैं, इसका एक वर्ड है, जैसे कि फिशरमैन, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा, ये फिशरमैन। उसके बाद लार्जेस्ट फिश, ठीक है, बड़ा सा मछली, और यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड एक वेल्स, और कलेक्टिंग इकट्ठा करना, यहाँ पर एक वर्ड है वो है गैदरिंग, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए गैदरिंग। तो बस इतना सा है, अगर आप लोगों को समझ में अच्छा लगा तो बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बी आवर सब्सक्राइबर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पीडीएफ के लिए कहाँ पर जाए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप बी एस ट्यूशन क्लासेस में जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट बार अभी मिल जाएगा आपको।